नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। योग दिवस आज मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। और ये जो है आठवां जो एडिशन है, आठवां साल है योगा दिवस का। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अलग अलग जगहों पर योगा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऑक्सीजन पार्क में यहाँ पर बाबूलाल मरांडी भी योगा करते हुए नज़र आए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मुख्यमंत्री ने जो अपना इस बार का जो स्लोगन दिया है, इस बार का जो थॉट है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसको लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातों को रखा है। आइए सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है। और मुझे लगता है कि जब से योगा दिवस बना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से दुनिया के लोगों ने इस मंत्र को भी अपनाया है। और लगभग अब सभी देशों में योगा का काफ़ी प्रचलन है, उसके काफ़ी मांगे हैं, लोग सीख भी रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं। सर, आज का थीम भी रहा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो सर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, स्वाभाविक है, अब जब मानवता के लिए जब सब कुछ स्वस्थ रहेंगे तभी शरीर स्वस्थ होता है, तब मन भी स्वस्थ होता है। मन स्वस्थ होता है तो फिर मानवता की हमारे अंदर में बातें सामने आती है। जब शरीर अस्वस्थ होता है तो फिर मन भी अस्वस्थ होता है, तो तरह तरह की बातें चलने लगता है कि बाद में क्या बोलते हैं उसको, बुरा भी सोचता है। तो इसलिए शरीर को साधना, अपने मन को साधना, एक प्रकार से योग, इस चीज़ को यानी मानवता की जो सीख है, क्योंकि योग का वो अंतिम स्टेज है जिसको बोलते हैं कि मानवता। यहाँ पर सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो योगा फॉर ह्यूमैनिटी को लेकर के उन्होंने कहा है कि अगर मन शांत रहेगा तभी जाकर के शरीर भी साथ देता है। अगर आप गलत थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं तो योगा जो है वो उसको भी शांत करने का काम करता है। ह्यूमैनिटी आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ह्यूमैनिटी के लिए योगा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।